विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी, जिसको लेकर आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू के नेतृत्व में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर पवन साहू ने कहा, यह योजना लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन, बढ़ई गिरी और मूर्ति कला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने व उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था व वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने पर ध्यान दिया गया है। चाहे सुनार है, लोहार है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है, ऐसे जो छोटे छोटे काम करके अपना जीविकापार्जन करते हैं, उनको एक आर्थिक शक्ति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी यह ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किए हैं। उसका यह कार्यशाला झारखंड का 5 जिला विशेष कर को चुना गया है। उस 5 जिला के लोग यहाँ पर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है कि हम नीचे स्तर पर जो ऐसे समाज के वंचित समाज के लोग हैं, जो थोड़े से पूंजी के अभाव में, कार्यशील पूंजी के अभाव में वो अपना कार्य, जो संस्थागत कार्य है, नहीं कर पा रहे हैं, उनको यह कार्य करने का मौका मिलेगा। और वैसे लोगों का 15 दिनों का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, उसको रहने खाने की व्यवस्था भी होगा, 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा और सर्टिफिकेट जैसे बनता है उसको 1 लाख से 3 लाख तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा। और 15,000 रुपये का जो सामग्री है, चाहे वह छोटा छोटा जो भी सुनार है, बढ़ई है, जो उसके कल पुर्जा काम करने के लिए है, वह सामान के साथ उसको दिया जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यह प्रोजेक्ट लोगों के लिए वरदान साबित करेगा, इसलिए यह कार्यक्रम ये सुचारू रूप से संचालन के लिए पार्टी के लोग यहाँ आज 5 जिला के लोगों को बुलाए हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।